और अकेले अकेले लंच कर रहे हैं, बुलाया भी नहीं। और वो तेरा शर्मा वाला प्रोजेक्ट पूरा हुआ नहीं हुआ? अरे कहाँ पूरा हुआ यार, शर्मा तू जानता ही है कितने चेंजेस बता देता है। साला काम कम है और चेंजेस ज़्यादा है। इतनी कम सैलरी में इतना काम कराते हैं कि पूछ मत। तू जानता है अमेरिका में जो आदमी टट्टी भी साफ करता है ना, उसकी सैलरी भी हमसे ज़्यादा है। खैर छोड़ यार, अब खाना खाते वक्त क्या टट्टी की बात करनी। तू क्या लाया खाने में? मैं कड़ी पकौड़ा। और तू क्या लाया भाई? मैं राजमा चावल, तेरी भाभी ने बनाया। टेस्ट कर कैसा है देख। बिल्कुल यार, ज़रूर यार। वाह यार, बड़े टेस्टी हैं यार, मेरा भी टेस्ट करना, तेरी भी भाभी ने बनाया। आ रहे, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। यार तो बहुत ही बेहतरीन है कड़ी तो। हाँ यार, तेरी भाभी खाना बहुत स्वाद बनाती है। खाना स्वाद बनाने के अलावा पता है तेरी भाभी मेहनत भी बहुत करती है। सुबह 6 बजे उठ जाती है, सबसे पहले मेरे लिए बैग टी लेके आती है, उसके बाद घर की साफ सफाई में लग जाती है, फिर मेरे लिए लंच पैक करती है, और उसके बाद फिर घर की साफ सफाई में लग जाती है। जब तक मैं ऑफिस के लिए चला नहीं जाता ना, तब तक बेचारी मेहनत करती रहती है और खुद कुछ नहीं खाती यार। लोगों का ना सपना होता है ऐसी बीवी मिलने का, लेकिन मुझे भगवान ने दिए ऐसे सपने। थैंक्स टू द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरी बीवी भी कुछ इसी तरह है, वो भी इसी तरह पूरे घर का ध्यान रखती है। दुनिया कहती है कि सास और बहू की बनती नहीं है, पर मेरी बीवी ने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया है। और वो उस घर में सास बहू की तरह नहीं, माँ और बेटी की तरह रहती है। कभी कभी तो लगता है कि वो घर नहीं, वो एक मंदिर है, और वो उस मंदिर की देवी है। तुझे पता है पूरी दुनिया कहती है कि बीवी ऐसी है, बीवी वैसी है, और मेरे हिसाब से ना बीवी नंबर वन होती है। यार मेरा ना हो गया यार, तुझे पता है आधे घंटे का लंच होता है यार, मुझे ना सिगरेट भी पीनी है। 15 मिनट में लंच, 15 मिनट में सिगरेट पियाऊंगा यार। मेरा भी हो गया यार, कल रात को मैं ढंग से सो नहीं पाया, तो ऑफिस में काम ही नहीं हो पा रहा। बार बार नींद आ रही है, आँख लगे जा रही है। मैं भी अभी जाऊँगा, 15 मिनट का पावर नैप लूँगा, उसके बाद आराम से काम करूँगा। चल ठीक है, फिर मिलते हैं यार। ओके ओके। अच्छा बेबी सुनो, मैंने ना टमाटर ले लिए हैं, गाजर ले लिया है, और खीरा भी ले लिया है। प्याज बहुत महंगे हैं तो इसलिए मैंने छोड़ दिए। अच्छा ये बताओ, और कुछ लेना है क्या? इससे पूछो कि इसके पास क्या मशरूम है। ये भैया पैसे पकड़ो यार, जल्दी सामान दे दो यार। अरे तुम वहाँ से निकल क्यों गए? पूरी सब्जी तो ले लेते पहले, कहाँ चले जा रहे हो? तुम तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनते। अरे ले लूंगा, देखो अभी लंच खत्म हो गया है, शाम को जब आऊंगा ना घर, तब ऑफिस से आते टाइम बाकी सामान भी ले लूंगा। ठीक है, देखो मैंने तुम्हारे ग्रीन सैलेड के लिए ना खीरा ले लिया 1 किलो, 1 किलो टमाटर और गाजर। अरे यार भाई साहब यार, तुम और सुनो, तुम जो सुबह तुमने वो कड़ी पकौड़ा बनाया था ना, वो एक नंबर का घटिया था, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह। उस कड़ी पकौड़े में ना तो नमक था ना तो मिर्च थी, बिल्कुल बेस्वाद तुम्हारी जिंदगी की तरह। मेरा भी टेस्ट करना, तेरी भी भाभी ने बनाया। जल्दी से ना घर आ जाओ, तुम्हारी माँ से मेरी लड़ाई हो गई है। रात को जो तुमने कपड़े धोए थे ना, उसमें तुम्हारी माँ ने पोछे का पानी डाल दिया। अब जल्दी आओ और वापस कपड़े धो। और वो उस घर में सास बहू की तरह नहीं, माँ और बेटी की तरह रहती है। कभी तुम्हें तो लगता है कि वो घर नहीं, वो एक मंदिर है। Hey guys. गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम आईडीज़ के लिंक्स हैं, प्लीज़ जाके यार उन पर क्लिक करें और हमको यार फॉलो करें प्लीज़। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।